बहुत पुरानी बात है। कई सौ साल पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब वह इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को इकट्ठा किया था। उसके दो बेटे थे। उसने निश्चय किया कि वह उस धन को दोनों में नहीं बांटेगा, बल्कि सारा धन उस बेटे को देगा जो उन दोनों में अपने को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके समक्ष समस्या यह थी कि यह कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि दोनों की परीक्षा ली जाएगी। उसने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, ये 2 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक रुपए लो और बाहर अलग अलग जाकर कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। याद रखना, तुम्हें 1 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी अक्ल मारी गई हो। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? 1 रुपए में कोई चीज़ इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा घर भर जाए? लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसा ही करने पर अड़ा हुआ था जैसा वह कह चुका था। उसने कहा, चले जाओ और ध्यान रखना, इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। दोनों बेटे एक एक रुपये लेकर घर से बाहर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। उसे यह लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है, भला ऐसे कैसे संभव है। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो कि सूखी घास से भरी हुई थी। यह देख उसकी कुछ उम्मीद जागी। उसने सोचा, 1 रुपए में कितनी घास मिल सकती है। यह सोचते हुए वह बैलगाड़ी चालक के पास गया और कीमत पूछी। काफ़ी मोल भाव करने के बाद वह 1 रुपए में सारी घास खरीदने में सफल रहा। उसकी निराशा थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी उसे खुद के काम पर पूरा भरोसा नहीं था। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ घर के फर्श पर घास बिछाने लगा। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को भी ढक सके। वह बड़े उदास मन के साथ घर के बाहर एक कोने पर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र अपना 1 रुपये लेकर बाहर आया तो वह सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक वह सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार सूझा। अपना रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान से मोमबत्तियाँ खरीद लाया जो कि 1 रुपये में काफ़ी सारी मिल गई थी। फिर वह जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में एक कोने पर बैठा हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वह जल्दी से घर के अंदर गया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियाँ लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह देख वह बूढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे तुम सच में बुद्धिमान हो, तुम्हें मेरे इस मेहनत की कमाई का सही जगह उपयोग कर सकोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से तुम ही मेरे वारिस हो और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा उस पर विचार किए और समस्या की गहराई तक जाए बिना ही जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर कई बार हमें अपनी इस जल्दबाजी की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पूरे शांत दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या फिर हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हर बार मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना एक आदत है,
जो हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं, वह अपनी मुश्किलों पर विजय हासिल करते हैं। अगर हम सकारात्मक नजरिया रखते हुए अपने सामने आने वाली समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम जीवन की परेशानियों से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अंततः हर समस्या हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाती है और हमें हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच लाती है। जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा करते हैं तो हर बार हम पहले से थोड़ा बेहतर होते चले जाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा साहसी होते चले जाते हैं। जब एक मुश्किल काम हमें इतना कुछ सिखा के जाता है, हमें आगे बढ़ा के जाता है, तो आखिर क्यों हम किसी भी मुश्किल काम को समस्या की तरह देखते हैं? हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमें समस्याओं को एक संभावना, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जो इतना कुछ सिखा के जाती है। और अगर हम समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक संभावना के रूप में देख पाए तो हम इनसे घबराना छोड़ देंगे और फिर खुशी खुशी उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरे ठंडे दिमाग से उसके समाधान पर विचार करेंगे। और किसी भी मुश्किल समय का सामना करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।